एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। लगातार निजी मकान अपना मकान है सुदेशी और बहुत सारे हमें ना हिलने वाला देश उत्तम देश सरकार नहीं बातों का सुनते सुनते आए हैं, लेकिन आज हमें इस सुबह के समय में एक और मुद्दा के आधार पर मैं परमेश्वर को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सबको उसका मुद्दा है विदेशी, हालेलुया, शायद अंग्रेज में स्टेट बोलते हैं विदेशी फॉरेन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप माने या ना माने, जरूर हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आप मान के चलिए आप नेपाल के होंगे, चाहे आप बांग्लादेश के होंगे, श्रीलंका के होंगे, सिंगापुर के होंगे, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, कोई भी देश के क्यों ना, आप अपना देश का नाम वो आपके देश होने के बावजूद भी अगर आप प्रभु में जब जन्म लेते हैं उस समय आप इस धरती के लिए विदेशी हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो आप बोलेंगे तब हम समझेंगे क्या समझ रहे हैं। इस धरती के हिसाब से कहा जाए हम हिंदुस्तानी भारतीय भारतीय अनुसार देखा जाए हम विदेशी है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, देश इस धरती में जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग है, आर्थिक तौर से जो मजबूती हालात में पाए जाते हैं, जैसा जर्मन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब बहुत पैसा रखने वाले, रशिया है, अमेरिका है, कनाडा है, बहुत पैसा वाले, आप कहीं का भी रहे, लेकिन प्रभु में जब आप जन्म लेते हैं और प्रभु के साथ साथ जब से आप चलना शुरू करते हैं, आत्मा के अनुसार जब आप चलाए जाते हैं, हम वचन एक वचन को प्रचार के लिए वचन नहीं परंतु एक वचन को पढ़िए, और उसमें पहला पद को पढ़ेंगे, कोई एक जन जिनको मिल जाए पद से पढ़ेंगे ताकि आप अभी समय समय को बचाते हुए हमको प्रचार करना पढ़े। आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं शरीर के अनुसार चलने वाले संसार की, हालेलुया, जो भी लोग शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो किसी भी धर्म के रहने वाले को न हो, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, आप मसीह को जानते हो, आपने शरीर की इच्छा के अनुसार इस संसार में चलिएगा, आप विदेशी नहीं है। सीधे सीधे पत्र में आपको आखिरी जो गेंद क्रिकेट में जो गेंद फेंकता है ना संजय बाबू, क्रिकेट में जो गेंद फेंकता है ना, एक एक गेंद बॉलर एक एक हिसाब से फेंकता है, हर गेंद एक ही तरफ अगर फेंकता वो बॉलर कहने लायक नहीं। मैं भी बॉलिंग किया हूँ इसलिए मुझे वो तरीका मालूम है, अगर छह गेंद फेंकना है, छह गेंद अपने हिसाब से फेंकेंगे, कहीं कहीं एक गेंद में वो आउट ना हो जाए, आउट हो जाए इस विचार से। उसी तरह बात को समझ लीजिए, अगर आप इस संसार में जन्म लेते हुए संसारिक जीवन बिताएंगे तो आप विदेशी कभी नहीं हो सकते, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यानी हमारा देश स्वदेश, हम इस धरती के लिए विदेशी है, क्योंकि हमारा अपना निजी देश, अपना स्वदेश हमारा स्वर्ग है, वहां उत्तम देश पे हमको जाना है, वहां जाने के लिए हम शरीर की इच्छा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो बात बतलाया जाता है, एक आत्मा के अनुसार चलने वाले जो विदेशी कहलाए जाएंगे, इसको ये आपको पहले जानना जरूरी है, प्रचार में जरूर करूंगा, लेकिन आप परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे तब ही आप विदेशी कहलाए जाएंगे, अन्यथा आप शरीर की इच्छा के अनुसार इस संसार के आत्माओं के अनुसार अगर आप चलाए जाएंगे आप विदेशी कभी नहीं हो सकते। इस कारण अब पढ़ने का समय नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय को बाद में जाके पढ़िएगा, दूर के पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वचन नहीं बोल रहा हूँ। आंखों की अभिलाषा, जीविका के गमन और शरीर का अभिलाषा,
ये सब हमने परमेश्वर से अलग कर देती है। ये वो आत्मा जो संसारिक आपको बना के रखती है, इस शारीरिक बना के रखती है, इस आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, ये आत्मा हमें परमेश्वर के साथ मिलने, सकने, सगवा सहभागिता रखने और परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर को प्रसन्न करने नहीं देते। आठ पद मैं पढ़ रहा हूँ, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके पास लीजिए, लिख कर रखिए, मैं एक भूमिका आपको छोटा सा पहले दे दिया। तब आप विदेशी बन सकते जब आप इन बातों से बच के प्रभु के साथ साथ चलेंगे। अनोक नामक एक मनुष्य था जो 307 साल तक संसार में था, जो परमेश्वर का साथ साथ चलता था, पत्नी बाल बच्चा रहते हुए। कोई का इस तरह का विचार है, शादी जब तक नहीं हुआ मैं बहुत अच्छा था, शादी होने के बाद मैं बिगड़ गया। बापरे, अरे ये तो गलत बयान है। शादी के पहले मैं ठीक था, शादी के बाद आत्मिक जीवन में मैं कमजोर हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले जान साहब बता रहे, 1,000 को भगाएगा, 2 जन मिलकर के 10,000 को भगाएगा। जिस घर में आदमी सही नहीं है उस घर कभी सही नहीं चलेगा। जिस घर में औरत सही नहीं है उस घर सही नहीं चलेगा। आदमी औरत जिस घर में दोनों गड़बड़ है उस घर के बच्चे भी गड़बड़ रहेंगे। बाइबल की बात को मैं आपके सामने रखता हूँ, ये अलग बात है, अंदर की मामला, ठीक है ना, राइट। इसको इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस पर मैं जाना नहीं चाहता। विदेश रहा सवाल, फॉरिनर, हम इस धरती में विदेशी हैं, हम उस अपना देश में से, हम यहाँ अपना देश हम जाने वाले हैं, वहां जाने से पहले यहाँ जब तक हम रहेंगे यहाँ के किसी बातों में मन नहीं लगाना। इसलिए हम उस गीत को गाने के दान देने के समय में गाए थे, ग्रुप में जाति ग्रुप में डाला हुआ है, रात भी आप जान गए, आप इस गीत को गाते रहिए। इससे क्या होगा, इसे आप कैसे रहेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। समुद्र से ही पूरा दुनिया में रहने वाले इंसान के लिए नमक बना के दिया जाता है, लेकिन समुद्री मछली जब हम खरीद के आते हैं आलू से नमक उसमें डालते हैं, तो कमाल। हालेलुया, आप समझ लीजिए, दूर दृष्टि रखिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस वो समुद्र में ही रात दिन रहती है मछली, लेकिन बनाने के लिए जब खरीद के लाते उस पर हम उसमें अब ये नहीं सोचते, ये तो इसके अंदर तो नमक होना चाहिए, नमक नहीं रहती है, नमक डालना पड़ता है। इस तरह के जीवन बिताने वालों को परमेश्वर पूछता है, इस संसार में आप हैं लेकिन संसार का कोई भी ताकत आपको छूना नहीं चाहिए। एक और आपको जग से समझने वाला एक और बात बताता हूँ, ध्यान दीजिए, चुनाव का माहौल है इसलिए प्रचार नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ कमल का जो पत्ता रहता है, कमल फूल का पत्ता, वो पत्ता पानी में ही रहती है परंतु उसमें पानी नहीं सकता। ध्यान दीजिए भाई बहन, मैं इस तरह आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पूरा म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले पूरा बंगलोर शहर को साफ करने के सवेरे झाड़ू लेकर के अपना औजारों को लेकर के निकलते, शहर साफ हो जाती है, अंत में उनका कपड़ा सब गंदा हो जाता है। ये दुनिया यहाँ पर इसी से चलना पड़ेगा। अभी आप विदेशी बन करके वहां अपने घर में ताली बजा के परमेश्वर नाम की स्तुति और प्रशंसा हो रही है। सुबह के समय में हम अपने हालात को सही तरह से जाने कि हम सचमुच विदेशी है इस संसार में, हम इसी हिसाब से जी रहे हैं या हमारे अंदर कमी है, गति है, त्रुटि है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 11 अध्याय, बीते हफ्ता हम इस वचन को पढ़े थे, इस हफ्ता हम वही से शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, बीते हफ्ता हम पढ़े थे इब्रानियों का पत्र उसके 11 अध्याय 14 पद को हम पहले पढ़ेंगे, 11 का 14 जो ऐसी बातें कहते वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में मैं हूं, हम हैं। भाई अपनी बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ एक सवाल के साथ ये वचन शुरू होती है, विदेशी हम अपने स्वदेश जाने वाले, जिस देश में हम रहते हैं
इस देश हमारे लिए हमको भी माफ कर दीजिए। ध्यान दीजिए एक काम से कम सर, ध्यान दीजिए भाई बहन, हम इस देश के लिए विदेशी हैं। इस देश जो भी दुनिया में आत्मिक है, जीवित परमेश्वर को जान गए हैं और अनंत जीवन का भागीदार है, परमेश्वर का संगी और सहभागी है, वे सब तो इस धरती के लिए, हम एक देश के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इस धरती में रहने वाले सब कोई ऐसे लोग जितने हैं जो परमेश्वर का संगी और परमेश्वर का सहभागी और परमेश्वर का संतान और परमेश्वर का नीच प्रजा है, वे सबके सब इस धरती में विदेशी। आपको पहले अपने बारे में सही तौर से जानकारी रखना होगा। जब आप विदेशी हैं, कुछ विदेशियों के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ, ये विदेशी मित्र देश से कहां देश के वो रवाना हुए थे, ध्यान दीजिए, इज़राइल देश के लोग जो मित्र देश में 430 साल बंधुआई में गुलामी करते थे, गुलामी से निकल के जब वे अपने निजी देश जा रहे थे, कहां देश इज़राइल देश जा रहे थे, जाने के समय में उनको उन्हीं लोगों के बारे में जो ऐसे ऐसे बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में मैं हूँ, हम हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह का जब सभा भजनों का पढ़ते हैं, ऐसे ऐसी बातें करते हैं, तो वो आप अंदर सुनते सभा उठना कैसे कैसे बात करते हैं। अब आप सुदेशी है या नहीं है, आप परमेश्वर का राज्य के हैं या नहीं है, आप स्वर्ग राज्य के हैं या नहीं है, आप वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या नहीं करते, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगी। 15 पद, जिस देश से वे निकल आए थे, किस देश से निकल आए थे, जो लगता है डेंगू है कोरोना, मैं आपको उल्टी पसंद करता हूँ, बच्चे आवाज गलती बोले तो कोई बात नहीं, किस देश को छोड़ के आए थे, मित्र देश को छोड़ के आए थे, उसी को आप समझते हुए मन में रखते हुए, जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर मिलता, अवसर था उनके लिए, अवसर था। भाई बहन सुनिए ध्यान से, बहुत गंभीर बात तो मैं आपसे रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, आपके आत्मिक जीवन को ये तो एकदम इतना मजबूत कर देगा कि अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो हम 1988 में प्रभु में आए, प्रभु में आने का मतलब 32 माली, आप में से बहुत लोग जन्म भी नहीं हुआ, 1988 में हम 32 माली, तो 32 लेने के बीच में मैंने परमेश्वर के साथ यही वाचा बांधा कि प्रभु जीवन चला जाए तो चला जाए, लेकिन जिस पाप को मैंने छोड़ पाया उसका मैं नहीं जाऊंगा, वैसा जीवन की के लिए अभिषेक दीजिए, वचन का ज्ञान दीजिए, आपकी सात्विकता और संगति और सर्वज्ञता, हम आपकी संगी बन करके जीवन बिताने के लिए सहायता मदद कीजिए। मैं नहीं जानता हूँ आप बपतिस्मा लेने के समय में किस प्रकार का परमेश्वर का साथ प्रतिबद्ध लगाई या वाचा बांधा या परमेश्वर का साथ और किस प्रकार की गवर्नेंस यू आप परमेश्वर का साथ बांधे हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप अगर इस जगह में आप सही है, सब जगह में आप सही रहेंगे, अन्यथा आप उतार चढ़ाव के मसीह जीवन में रहेंगे। हवाई जहाज बंगलोर से उड़ती है तो गुवाहाटी में जाके उतर जाके या बिहार में या यूपी में कहीं जाकर तो उतरती है, फिर वहां से उड़ान भरता है बंगलोर में लाकर उतार देता है, यही उतार चढ़ाव का जीवन मसीह जीवन में इतना नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार पकड़ लिए, पांचवा गिर लगा लिए, चलते रहिए परमेश्वर के साथ, मिलते रहिए उसकी संगति में, बढ़ते रहिए, जब तक उठा लिया गया नहीं का अनु तब तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, ताली बजाने परमेश्वर। अगर आपके दिमाग में विचार आ गया कि हम सुदेशी नहीं है, हम विदेशी हैं, हम इस देश के नहीं है, हम इस धरती के नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, हम तत्कालीन जीवन जीने के लिए हम यहाँ पर आए गए, जब बपतिस्मा लेते तब हमारे अनंत जीवन मिलता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम जब मन की आके बपतिस्मा लेते उस समय हम अनंत जीवन की भागीदार होते हैं, अनंत जीवन की सहभागी होते हैं। अनंत जीवन का मतलब क्या है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम
अभी के नहीं है, ये जो जीवन है अनंत जीवन को जब आप प्राप्त करते हैं तब आपको एक बात और समझ आना चाहिए कि अनंत जीवन मुझे मिलती है, इसका मतलब जो ये जो जीवन है तत्कालीन जीवन, दिस इज टेम्पररी, ये जो जीवन हमारा संसार में रहने का जीवन तत्कालीन है, यहाँ कुछ अनंत काल का नहीं है, कुछ भी यहाँ निरंतर नहीं है, कुछ भी यहाँ टिकने वाला नहीं है, कुछ भी जैसे आग और गंधक सदोम और उमरा शहर के ऊपर बरसा उस समय सब कुछ रात रात बन गया, वैसे ही इस धरती पर एक दिन आग और गंधक बदलेगा। वचन को पढ़िएगा, पढ़े दूसरा तिमोथी, दूसरा पत्रस, तीसरी अध्याय 10 पद से लेकर 12 पद तक फटाक से पढ़े, दूसरा दूसरा पत्रस तीसरी अध्याय 10 से लेकर 12 पद तक पढ़े, परंतु प्रभु का दिन उसका लौट आने का दिन चोर के समान आएगा, उस दिन आकाश जो आकाश का आप देख रहे हैं आपका सर के ऊपर है, उस दिन आकाश बड़ी हड़गड़ाहट के साथ तत्वों के जाता रहेगा, बिगड़ भी जाएगी पृथ्वी और उसका काम एक एक हो जाएगा, पृथ्वी और उसका काम जल जाएंगे। वचन को याद रखिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे मुंह से जो वचन निकला है वो कभी नहीं टलेगा। जिस धरती में आप और हम हैं, इस धरती के चक्कर में मत रहिए, ये धोखा का पड़ा हुआ धरती है, क्योंकि ये हमारा अपना निजी नहीं है, ये हमारा अपना नहीं है, ये किराया का मकान है, समय आने पर सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, जब हम सब कोई चले जाएंगे अपना निजी मकान में, अपना स्वदेश में, अपना उत्तम नगर में, अपना घर में जो यीशु मसीह अपने हाथ से बना रहा है, उसके अंदर जब हम चले जाएंगे, उस समय इस धरती का, इस धरती में रहने वालों का, रहने वाली चीजों का क्या दशा होगा, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस धरती आग से जल जाएगी। हालेलुया, आपके बाइबल में है, आपके बाइबल में है, ठीक है ना, हम आपके बाद अपना बाइबल से नहीं बोल रहे हैं, तो इसीलिए इस पर मन नहीं लगा, आज याद रख लीजिए, आज याद करके याद रखिएगा और अपना कान पकड़ के बोलिएगा कि इस पर मन नहीं लगा। हालेलुया, समझ गए तो आप कान पकड़ के कहा है कि इस धरती पर मन नहीं लगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट है, अनंत काल का घर हमारा, हमारा स्वदेश, हमारा परमेश्वर का राज्य है, जहाँ परमेश्वर हमारे लिए अपना निजी मकान बना रहा है। यहाँ देखिए नीचे पढ़ेंगे, निकलने वाली है, पवित्र चाल चल, भक्ति में ऐसा मनुष्य होना चाहिए, बारह समाप्त हो गया, जोगना चाहिए उसकी जल्द आने के लिए, व्यर्थ करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से बिगड़ जाएगी, गल जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो प्रभु अगर आने के बारे में आप विश्वास करते हैं, आप इस पर भी ध्यान दीजिए, अपने आप को तैयार करने के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचिए। हालेलुया, मान लीजिए आज यहाँ पर किसी की शादी होता, आप ये कपड़ा नहीं पहन पाए, सही बात होने की गलत, सही बात है कि गलत है, तो जिस दिन प्रभु आने वाला है, क्योंकि हम शादी में जाए तो अच्छा कपड़ा पहन के जाए, ये विचार था, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, प्रभु आज आने वाला करके आपको मालूम है, अर्थात प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला, अब हम अपना जीवन को किस प्रकार तैयार करेंगे, असली जो विवेकी है अपना जीवन को तैयार करते रहेगा, प्रतिदिन तैयार करेगा, मैल छुड़ाते रहेगा, पाप गंदगी को अंदर से निकालते रहेगा, और दाग मार्ग में जिस तरह कृषित की पूछता आदमी उस तरह अपने अंदर पूछते रहेगा, कहां कमी है, कहां कमी है, कहां त्रुटि है, कहां
हम अपने स्वदेश जाने में रुकावट है उसके ऊपर हम ध्यान देते रहेंगे, बाकी संसार की सभी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं ध्यान दीजिएगा। मैं फिर आपको उसी वचन को और आकर्षण करना, इब्रानियों को पत्री उसकी 11 अध्याय 14 पद में लिखा है, ऐसे जो ऐसी ऐसी बातें कहते वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, अगर स्वदेश जाने की तैयारी में मैं हूं। उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, और जिस देश से वे निकल गए थे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, कोई उनको रोक नहीं सकता था। अरे आबादुर आने के बाद मूसा के साथ है, अयुब के साथ, आरुन के साथ और कालेब के साथ और समस्त इस्राएलियों की जो प्राचीन थे उन सब के साथ हमारा रगड़ झगड़ और इनसे मिलने का होता था। हम मार करके मार खा खा करके गुलामी करते हुए हम भी मछली वहां खा लेंगे, भाई हमको छोड़ो हम जा सकते थे, ध्यान दीजिए भाई जा सकते थे, लेकिन 16 पद दिया है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश की अभिलाषा अभिलाषी है। हालेलुया, स्वर्ग या उत्तम देश की वे अभिलाषी। आपका अभिलाषा कहां पर है? शरीर का अभिलाषा, अंगों की अभिलाषा, जीविका अभिगमन, किस जगह में आप बसते? लेकिन इनके अभिलाषा के बारे में देखिए, मैं अभिलाषी हूं अपने स्वदेश जाने, विदेश मेरा अपना जो निजी मकान है, निजी देश है जहां मेरा परमेश्वर विराजमान है, जहां पर मेरे लिए प्रभु यीशु घर बना रहा है, हम उस जगह जाने के लिए तैयार, उसके लिए मैं अभिलाषी। हालेलुया, हालेलुया। आपसे पूछ रहा किस बात में आप अभिलाषी हैं? मैं प्यार से इस बात को आपको बता रहा हूं, एक कहावत है हिंदी में, अगर मंजिल पहुंचना है कदम फूंक फूंक कर बढ़ाई, फूंक फूंक के कदम बढ़ाई, फूंक फूंक के कदम बढ़ाई। ध्यान दीजिए भाई बहन, सुबह के समय में परमेश्वर हमारी आंखों को खोलने पाए। यहां पर लिखा है अगर हम उत्तम देश में जाने के लिए उस स्वर्ग के राज्य में एकदम स्पष्ट लिखा, बहुत सुंदर ढंग से लिखा, और वे एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश की अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। मैं इसी के लिए बोलना चाह रहा था, ध्यान दीजिए, अभी समय बच गया 25 मिनट, मैं उसके अनुसार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, किसी दिन हम आपको बतलाएंगे, ध्यान दीजिए, क्या हम बड़ा स्पष्ट तौर से बतलाया जा रहा है, जो इस धरती में अपने आप को विदेशी समझता है, परदेशी समझता है, स्वदेशी समझता है, हमारा निजी मकान वहां है करके समझता है, मैं इस संसार के लिए मुसाफिर हूँ। एक गीत अगला आपका सीखा है, हम सीओन के मुसाफिर है, ध्यान दीजिए, मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ, बाइबल को भी देखता हूँ, समाज को देखता हूँ, संसार को देखता हूँ, वातावरण को देखता हूँ, परमेश्वर का भविष्यवाणियों को मिलाता हूँ, इसलिए आज ज्यादा स्वर्ग के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार करते रहिए, इस पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर तुमको ये मेरा ये मेरी बेटी ये मेरा बेटा वो मेरी बेटी है ये मेरी बच्ची है, इस तरह उनको बोलने में वो लज्जित नहीं करता, लज्जित नहीं बोलता। किनके बारे में बोला जा रहा है? जो अपने आप को विदेशी बनाकर रखता है इस धरती में, हम इस धरती के नहीं, हम इस धरती के नहीं, हम इस धरती के नहीं, इस प्रकार जो अंगीकार करता, कितने बार आप अंगीकार करते हैं, एक हफ्ता में, एक दिन में, एक हफ्ता में, एक महीना में, एक साल में, इतना साल इतना उम्र प्रभु में आने आते हुए आपको हो गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने बार आपने अंगीकार किया है, अंगीकार करते हैं या अंगीकार करने के लिए सोचते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा अंगीकार करने वालों के बारे में परमेश्वर यहाँ कहता है, ऐसे लोगों के बारे में मुझे बोलने में कोई लज्जा मैं नहीं कर लज्जा नहीं होता हूँ कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं परदेशी हूँ, मैं
मैं विदेशी हूं, इस शब्द को आप हमेशा के लिए अंगीकार करते रहिए। कभी भाई से मिलते हैं, बहन से मिलते हैं, जय मसीह की विदेशी, कोई कोई नामे रखते हैं। हम ऐसे लोगों को देखे, विदेशी भी नाम देखे, नाम से रहने वालों को देखा हो, सुदेशी नाम से रहने वालों को भी देखा हो। सुदेशी जो नाम रखता मसीह परिवार के लोग, तुम्हारा सुदेश ऊपर। विदेशी जो नाम रखता अपने बच्चों के लिए और दुनिया को ये प्रकट करना चाहता है, हम इस धरती के लिए विदेशी है भैया, हम यहाँ के लिए फॉरेनर है, बाहर जाए हैं। हमारा समय आएगा तो हम अपना पूरा परिवार के साथ अपना देश चले जाए। जो लोग अपने आप को मुसाफिर, परदेशी, विदेशी, स्वदेश के बारे में अंगीकार करते रहते, परमेश्वर उनका नाम लेने से कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहने से वो लज्जाता नहीं। नीचे लिखा है सो उससे उतने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हालेलुया, इसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बारंबार बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक इसके बारे में एक बार एक वचन बतलाया था, पता नहीं आपको कितना याद है, इफिसियों को पत्र उसकी दूसरी अध्याय, इफिसियों को पत्र उसकी दूसरी अध्याय उसमें 19 पर दो पढ़ेंगे, इफिसियों 2:19 वहां पर पौलुस इफिसी कलीसिया के लोगों से कहता है, इसलिए तुम आप विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराना घराने के हो गए हो, परमेश्वर के नाम की युक्ति हो। मैं इन सभी वचनों को विस्तार पूर्वक किस समय जरूर बताया नहीं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, उस वचन से मन में रखिए, बारंबार पढ़िए। तो मैं यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन को उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या बताइए, स्वदेशी, परमेश्वर के संगी, मुसाफिर और सुदेशी, एक ही वचन में कितना रिपीट हो रहा है, देखिए, सुदेशी और मुसाफिर और परदेशी और स्वदेशी विदेशी, बार बार इस बात को रटा रहा पौलुस इफिसी कलीसिया के लोगों को, बचा लोगों का दिल इस धरती पर ना हो, यहाँ का मकान पर ना हो, बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हो उस पर ना हो, जितना कपड़ा लत्ता खरीद कर रखे उस पर ना हो, और जो जमीन खरीद कर रखे उस पर ना हो। इन बातों से पौलुस लोगों को अलग कर रहा, ध्यान दो तुम परमेश्वर की संगी हो, परमेश्वर के लोगों का साथ तुम पर रहना है। मैं आपको कुछ रहनी जाती हूँ, साथ कितना बात करते हैं आपको और परमेश्वर के लोगों से कितना संगति रखते हैं। ये आपका स्वदेश जाने का लक्ष्य मोह में एक है, जितना बाइबल पढ़ते हैं, जितना परमेश्वर के साथ समय प्रार्थना में बिताते हैं, जितना परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं। अफसोस इस बात की है, हमारे चर्च में किसी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कम से कम लड़की लोग बहन लोग का उससे बात कर सकते हैं, इन लोग मान के चलिए आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो ग्रुप का अगर आज दिखा दिया, आज जोड़ दिया, कुछ कर दिया, लेकिन आपको लड़की लड़की जाता और जाता है, आपको फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं ना जी। ध्यान दीजिए, आप किस रूप में जा रहे हैं उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप परमेश्वर की लोगों की संगी हैं, साधक होने का कोशिश कीजिएगा, तो इसका मतलब आप अपना विदेश नहीं जा सकते, अपना निजी मकान भी पहुंच नहीं सकते। यहाँ आप सेपरेट कीजिएगा अपने आप को, आप वहां भी अपने आप को सेपरेट करते हैं। इसलिए इस वचन इस तरह में सिखाती है, परंतु पवित्र लोगों की संगी, परमेश्वर के लोगों की संगी, हम परमेश्वर का भी संगी है, हम परमेश्वर की कलीसिया की संगी है, हम परमेश्वर के लोगों की संगी है। हर सुख दुख में हमका सहभागी होना, आपके घर में किसी को कुछ होने से आप नहीं कीजिएगा, नीचे सबसे नीचे जाके सबसे वेट आदमी नहीं, औरत जाके औरत से वेट कर, हम लोगों को जाने के लिए मना, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, नाइटी पहन कर रहती होगी, उतना समझदार हम लोग हैं, बात समझो, आप तो जा सकते हैं ना, आराधना सभा को मेरे पास सबको जाकर उनसे मिल और उनसे कई दीदी आपके लिए प्रार्थना किए और करेंगे।
उनका क्या समस्या है मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रभा भी सुन रही है, प्रभा तुम सबको आने के बाद क्या तुम्हारा समस्या है सबको एक बार सुना, तब इन लोगों का दिल पहले टूट जाए, क्योंकि आपको तो समस्या मालूम नहीं है उनकी। एक बेटी का दर्द समझ करके बाप जिस तरह बोलेगा उसी तरह में बोलना, उसके बाद उसके दर्द मुझे मालूम है। सूर्य सूर्य हमको बतलाए, मैं आपसे कह रहा था समाप्त होने के बाद सबको नीचे जाके उससे मिली, एकदम काम में खून लगा के एकदम घूम रहे हैं आराम से। किसी आप किसी में किसी को अगर प्रकार कुछ होता है क्योंकि बैठ धर्म से आपको क्या बतलाते, 19 पढ़ रहा हूँ, इसलिए तुम आप विदेशी और मुताबिक नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों की संगी। कलीसिया में जो लोग आते हैं आप उनके हर सुख दुख में सहभागी है। आप लोगों को फोन करके बोलना पड़ता है, आप कैसे मोबाइल है फोन करके बात कीजिए। आप सोनिया गांधी इलेक्शन के काम में ज्यादा व्यस्त है, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति जी है, तो उनके जैसा आप लोग सर के ऊपर लाख काम है फुर्सत नहीं आपको। अफसोस कीजिए दिल टूट कर रोई, मैं तो उसके लिए प्रचार कर रहा हूं। यह आदत आज छूट जाना चाहिए, यह आदत हमेशा नया आदत आपके दिल और दिमाग में शरा लीजिए। जब तक आप नहीं मरेंगे तब तक याद रखिए, कहीं भी रहिए इसको इसी तरह निभाइए, नहीं तो जिस दिन आप गिरेंगे अकेले पड़े रहेंगे कोई नहीं आएगा साथ। प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि हम सबको एक ही जगह में जाके रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। वहां जाने के समय में कहीं प्रभा किसी को प्रभु से शिकायत ना करे, ये तो फोन तक नहीं। हम सब एक ही घर के लोग हैं लेकिन ये तो हमारा खुद ही नहीं थी, इसमें से कहा ना मैं बीमार था तुम आके हमको देखा है, इलाज करने मदद किया, ये किया वो किया, समझ पाया तो आप खुद ही नहीं थी क्योंकि हम कब किए। अरे प्रभा को देखने गई ना, उनको देखने गए, इनको देखने गए, ये तबियत खराब हो गया उस भाई को देखने गई थी, वो बहन तबियत खराब हो गई उस बहन को देखने गई थी। आप कहीं का भी रहने वाले क्यों, यहाँ जो घर परमेश्वर आपके लिए दिया यहाँ पर इस घर के अंदर रहने वालों के लिए आप एक संगी है, आप उनका एक सहायक है, आप उनका एक बहन है या दीदी है या चाची है, आप उनका भाई है। इस विचार को हमेशा के लिए दिल में रख लीजिएगा, दोबारा हमको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा क्योंकि कल हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते, कौन हमारे पास आएंगे हम नहीं जानते। यहाँ पर लिखा है कि विदेशी मुसाफिर परमेश्वर के लोगों की संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इतने बात को पौलुस इफिसी कलीसिया वालों को सिखाता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वो औपत्ति देखिए, एक मुसाफिर, एक परदेशी, एक विदेशी के अंदर कितना पावर, कितना ताकत, कितना ताकत रहता है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। असल में होगा, डुप्लीकेट नहीं बोल रहे, असल में आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जी अगर समझ जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43 अध्याय ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए कोशिश कीजिए। मिस्र देश से जब यूसुफ को ले जाकर कहां देश से जब यूसुफ को ले जाकर के मिस्र देश में लोग गुलाम लोग गुलामों को बेचने वाले लोग बेच के चले गए जेल में था, उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह से उस देश का जो बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट किसी दिन आया, उस मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन गया था। जब बन गया था अपने भाई लोग वहां आए, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसका पिताजी से कहा गया कि हाँ पिताजी वहां बन रहिए, सबको लेकर काम मिल रहा है आ जाइए, सब मिला करके मेरे धर्म साथ बताती है। 70 लोग थे यूसुफ को लेकर, उनके परिवार बच्चों को लेकर के 70 लोग थे। जब याकूब अपना पुत्र यूसुफ के पास समस्त परिवार के लोगों को लेकर आ रहा था, आने के समय में उसने यूसुफ ने राजा से कहा था, पहला पद को पढ़िएगा, पहला पद, सब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह सुसमाचार दिया
मेरा पिता और मेरा भाई और उनके भेड़ बकरियां गाय बैल और जो कुछ उनका है सब तमाम देश से आ गए हैं। अभी तो देश में है, अभी तो वे गोशेन देश में है, वहां तक पहुंच गए। तुरंत नीचे पढ़िएगा तो बाद में हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं मेन बात को बता रहा हूँ। नीचे लिखा है कि फिरौन राजा कहता है यूसुफ अकेले तुम क्यों जाएगा, तुम्हारा बाबू जी आए ना, मैं भी आ रहा हूँ। बाद में घर में जाके पढ़िए, अभी समय नहीं पढ़ाने के लिए। यूसुफ से राजा फिरौन बोलता, अरे तुम्हारा पिताजी आ गए, तुम्हारा पिताजी, तुम्हें तो हम लोग आकर के खाना पीना दिया खिलाया पिलाया, पूरा दुनिया को रक्षक मान के बचा के रखा है, पूरा आज मिस्र देश के कल्याण में अनाज भरा हुआ है, हम सीना तान के चलते, तो इसके कारण तुम्हारा परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे दिमाग करके परमेश्वर ने इतना किया, अरे तुम्हारा पिता किया, तुम्हें इतना सामर्थ्य है तो तुम्हारा पिताजी में कितना सामर्थ्य होगा, तुम्हें इतना परमेश्वर के साथ सटा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ तुम्हारा पिताजी का कितना लगाव होगा, तो उनको हम भी आकर के स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। अभी समय था का परदेसी का पावर दिखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम झोपड़ी में रहेंगे, फूस के मकान में रहेंगे, लेकिन हमारा पावर अलग लेवल का। ताली बजा के, क्योंकि हमारा नहीं है जो संसार में उससे बढ़कर हमारे अंदर रहने वाला जो प्रभु है, उसके चलते संसार को लोग हमें आदर सम्मान करते हैं, हमारे हमारे सामने झुकते हैं, हमारे सामने प्रणाम करते हैं, आंख जोड़ते हैं। इसका कारण हमारे पढ़ाई लिखाई पैसा कोई कुछ नहीं, जो हमारे अंदर प्रभु है, जो हमारा सर पर कुर्सी लगा के बैठा उसी के बदौलत सबका सर हम लोग के सामने झुकता है। हमारा नाम तो क्योंकि परदेसी है, रामनगर कोशिश कीजिए। हम वैसा आदमी हैं, लेकिन हमसे मिलने के लिए देश का राजा आकर के झुकता, कारण अगर हम अपने आप को परदेशी मानेंगे, परदेशी मान के जिएंगे, मुसाफिर बोल का अंगीकार करेंगे, मुसाफिर के तरह जिएंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता रखते हुए परमेश्वर का संगी बन जाएंगे, प्रभु का नाम की स्तुति हो, जो नहीं झुके झुकना चाहता वो सबको भी झुकना पड़ेगा, मजबूर जितना आज जितना नहीं चाहते वो कल झुक जाएंगे। ताली बजाते परमेश्वर, क्योंकि झुकने वाला हमारा सामने नहीं झुकता है, राजा फिरौन आकर के याकूब के सामने नहीं झुकता है, परंतु याकूब का जो परमेश्वर है उसके सामने राजा फिरौन आके झुक गया। ताली बजाते और दस पद को देखिएगा ध्यान से। याकूब ने जब राजा आ गया, झुक गया, प्रणाम किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो ये 130 वर्ष परदेसी हूँ। कितना अच्छा बयान है, 130 साल का परदेसी हूँ, एक दिन दो दिन नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने कितना लोग पढ़ने से दो हाथ उठा करके पढ़ने में उसको लेगा सबको जय मसीह। हम बना कर रखता तो अच्छी बात है, हमें तो स्वदेश में जगह मिलेगा जी, अपने निजी मकान के अंदर प्रवेश करेंगे। अगर यहीं पर हम अपने आप को ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये काम देखिए मेरा, आमदनी देखिए मेरा, वेतन देखिए मेरा, पढ़ाई देखिए ये देखिए, शांति के नाम देखिए, हमारा सम्मान देखिए, तीन मारना बंद की। हालेलुया दिन मारना बंद की। कोई कोई गांव से आते बोलते हमारा तो 20 को 22, अरे एक मुर्गी भी नहीं, यहाँ पे दिन मार हमारा घर में तो 50 को गाय, हमारा घर में सब्जी तेल से नहीं बनता जी, घी से ही,
सब्जी बनता दिंग मार दिंग मार के चलो हमारे लिए सब कुछ ऊपर है यहाँ कुछ है कि नहीं उससे कोई मतलब है नहीं यहाँ जो भी है हमारे पैर के नीचे यहाँ जो भी है सब कुछ हमारे पैर के नीचे बताइए हमारे घर पे आज पैर के नीचे कितने मैं तो खड़ा हूँ आप तो बैठे हैं आप ही के नीचे खड़ा कर कोई काम कर बोलिए इतना ही है इससे ज्यादा इनको आप बड़ा चढ़ा के सोचिए मत बेकार है सब असल ही हमारा प्रभु प्रभु का वचन पवित्र आत्मा जो हमें स्वर्ग को अगुवाई कहता है याकूब ने फिरौन से कहा तो मैं तो 130 वर्ष का परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं मेरे जीवन में के दिन है थोड़े और दुख से भरे हुए भी हैं बीते मेरे बाप दादे आपके पास कलम पकड़ने के लिए नीचे आ रहे हैं मैं भी परदेशी हूँ मेरा बाप भी परदेशी था मेरा दादाजी भी परदेशी था इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर बोलने का कारण एक ही एक है हम इस धरती में अपने आप को परदेशी 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 करके अंगीकार करते रह रहे हैं 130 साल तक हमारा बाप भी करते रह गया था हमारा दादाजी भी हम लोग को वही सिखाया था हम परदेशी है गीत गाने परदेशी कोई नहीं होता है वो पैसा कमाने को समझ पा रहा सिनेमा वाला जी कभी कभी बजाते हैं ना रोड में ठीक है तो वो पैसा कमाने के लिए लिखा गया सुनाया गया बनाया गया लेकिन ये जो बोलिएगा जब आप एक बार अपने आप को सड़क पर खड़ा होकर परदेशी बोलेंगे परमेश्वर के लिए मेरे आप अपने आप ही बोले हम तो परदेशी अजनबी ऐसे ही आए ऐसे चले जाएंगे यहाँ हमारा अपना कुछ नहीं परमेश्वर के नाम की स्तुति हो तो कहता मेरे बाप दादे भी परदेशी थे लोग जबकि इब्राहिम के बारे में इनका बहुत बड़ा धनवान हो गया था इब्राहिम बहुत बड़ा धनवान लेकिन वो अपना बेटा को सिखाया कभी धनवान नहीं बोलना मेरा बाप परदेशी मूसा और वही शिक्षा ईसा ने याकूब को दिया याकूब बोलता है बाप दादे परदेशी ताली बजा के राजा से मिलने आएगा परदेशी राजा को आशीर्वाद देगा या राजा परदेशी को आशीर्वाद देगा लेकिन बाइबल का नियम उल्टा है बाइबल का नियम उल्टा दुनिया का खेल ऊपर नहीं चलता ऊपर का खेल को जो मानता है उसको दोनों जगह चलेगा जैसे याकूब राजा को अपना हाथ उठा के आया याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके समूह से चला तुम्हारा कुछ मुझको नहीं चाहिए उसका मतलब तुम्हारा कुछ मुझको कुछ नहीं चाहिए मेरा परमेश्वर मुझको हम किसी से भीख मांगने नहीं आए अब हम तुमको आशीर्वाद दे रहे इसलिए तो मेरा बेटा को परमेश्वर तुम्हारे पास पहले भेजा था तुमसे हमको कुछ नहीं चाहिए था लेकिन हमसे तुमको सब कुछ मिलेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है वो हमारे लिए हर दम राज्य करने वाला परमेश्वर जब हम अगर हम किस प्रकार के विचार के साथ इस संसार में परदेशी बन के रहेंगे और बात को भी हमें मानना पड़ेगा दूसरा को दूसरा को और 10 मिनट हमारे पास समय है मैं उसका अनुसार बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए दूसरा पत्री उसकी 4 वहां पर 15 पद से लेकर पढ़ेंगे 16 पद से लेकर पढ़ेंगे दूसरा को 4 अध्याय उसमें 16 17 18 पद को पढ़ेंगे इसलिए हम यद्यपि हमारे पास यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होते जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो भी यदि हमको बाहर मिलकर परदेशी
मुसाफिर का अंदाजा मत लगाइए, हम फटा कपड़ा पहने प्रेरितों के बारे में और उस अपने जीवन के बारे में, प्रेरित लोगों के बारे में, सेवकों के बारे में बता रहा कि सुनने वालों को यहाँ क्या बता रहा है कि हम लोग बाहर की बातों को देखने का अंदाजा मत लगाइए, हमारा पांव भी बहुत दूर तक है। हालेलुया, हमारा पांव भी बहुत दूर तक है भाई, हमारा वस्त्र फटा हुआ है, जुत्ती हमारे फटी है, अगर हमारा कमर कस फटा हुआ है, सब कुछ हमारा फटा फूटा है, उससे कोई मतलब नहीं। उसी फटा हुआ वस्त्र को ले जाकर के बीमारों पर देख डाल के देखे ना, सब बीमार चंगे हो जाएंगे। ताली बजाके परदेशी का अलग पहुंच है, परदेशी का अलग पहुंच है। अगर परदेशी कहकर का परमेश्वर का साथ सही पहुंच रखिएगा तो आपके साथ परमेश्वर बड़े काम करेगा, यहाँ पर कहता है। इसलिए हम याद नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहर मनुष्य नाश हो भी जाए, नया होना पड़ेगा। बाहर आप कितना सुंदर है, कितना गोरे हैं, कितना आपका बाल घुटना के नीचे आ गया है, चार आदमी पीछे पकड़ के चल रहा आपका बाल पर, सब दंडन चोरी, ये सब दंडन चोरी। कितना आप काले हैं, कितना आप गोरे, कोई कोई समझ कर मैं बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। परंतु अंधे देखिए परदेशी कौन है, अंधे की वस्तुओं पर वो विश्वास करके अंगीकार करते रहेगा। हमारे लिए अंधे की वस्तु क्या थी, हमारे अंधे की वस्तु क्या है, बाकी दुनिया में सब कुछ तो दिख रहा है, कौन सा टीवी चैनल है, स्वर्ग में से 24 बार समय का टेलीकास्ट करते रहता, कोई चैनल है तो तब हमारे जो नहीं दिखता वही अंधे की है, स्वर्ग राज अंधे की है, हमारा मकान अंधे की है। अगर वो सब दिखाई दिखाई देने लगेगा तो आप हो सकता नाटकबाजी करने लगेगी, हमारा इतना बड़ा घर उसका जाना है जी, उसके लिए हम 4:30 बजे उठ जाएंगे, 3:00 बजे उठ जाएंगे, 2:00 बजे उठ करके प्रभु के सामने चले गए नाटकबाजी, क्योंकि इसलिए वो छुपा के रखता है। विश्वास के आंखों से देख लो बेटा, विश्वास के आंखों से देख लो बेटी, मैं दिखाऊंगा, ले जाऊंगा, वहीं पर रखूंगा उनको, वहीं पर बसाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। अगर आत्मिक करके देखना चाहोगे, बहुत लोग स्वर्ग के दर्शन देखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, कोई कोई स्वर्ग का दर्शन पाकि किताबें लिख देते हैं, इतना देर तक वो देखते रहते हैं, जाने दीजिए उनको, नहीं जाना है आपको, चाहिए तो प्रभु से आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यहाँ रह करके स्वर्ग के देखिए, वहां जाने लायक परदेशी नहीं, पहले तो देखने से अच्छा, पहले अच्छा उत्तम परदेशी विदेशी स्वदेश में जाने के लिए तैयार होने के मुसाफिर बन करके यहाँ पर जिएंगे तो हमारे अच्छा। हम देखी वस्तुओं पर मन नहीं लगाते, परंतु अनदेखी वस्तुओं पर, अनदेखी वस्तुओं पर आंख लगाते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु में जितना दिख रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया में आपके सामने जितना दिख रहा है वो सब कोई सब कुछ थोड़े ही दिन के लिए है, परंतु अनदेखी वस्तु आपके सर के ऊपर जो स्वर्ग है, आसमान भी नहीं उसके ऊपर जो स्वर्ग है, जहां परमेश्वर विराजमान है, वो अंधे की हमेशा के लिए वो स्थिर रहती है। ताली बजा के परमेश्वर को और 5 मिनट नहीं 4 मिनट पहले 3 वचन को बोल रहा कंक्लूशन पाए, विदेशी बनने के लिए बने हुए लोग जिस तरह अपने आप अंगीकार किए थे, हमें जिस प्रकार अंगीकार करना चाहिए,
तीन कंक्लूजन पॉइंट नंबर एक भजन संहिता 33 अध्याय सॉरी 39 अध्याय भजन संहिता उसकी 39 अध्याय सबको निकालिए अगर आपके पास बाइबल है उसमें से हम 12 पद पढ़ेंगे 39 का पद मेरे प्राण की ग्राह मेरे जान भी चाहते हैं मेरी प्रार्थना सुन भजन संहिता 39 का पद हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा मेरा रोना सुनकर शांत न रह क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री की नाली रहता हूं अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूं ये दाऊद के बयान किस प्रकार बोलता है मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री मुसाफिर के समान रहता परमेश्वर के साथ कैसे रहने से हम विदेशी बनेंगे जी कैसे रहेंगे कैसे रहना है परमेश्वर है मैं तेरे संग एक परदेसी एक यात्री एक मुसाफिर की समान रहता हूं अपने सब पुरखाओं के समान मैं भी परदेसी आप यहाँ जितने सारे सुने हैं पहले और गूगल मीट में फेसबुक में सुनने वाले सबसे मैं कह रहा हूँ आप शादी शुदे हैं तो आप अपने बच्चों को स्वर्ग दिखा के उनके पालन पोषण कीजिए स्वर्ग प्रतिदिन दिखाइए स्वर्ग के बारे में अपने बच्चों से चर्चा करते रहिए और उनको ये सिखाइए मैं और तुम्हारी माँ परदेसी यात्री मुसाफिर तुम लोगों को भी इस कारण याकूब पुराने नियम में दादाजी का जो शिक्षा था बाप के द्वारा इंसान के द्वारा वो सुन करके बोलता हम बाप दादे सबको हम परदेसी राहुल उसकी बात बोलता हमारा पूर्वों के समान मैं भी परदेसी हूँ हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन मेरी दुहाई पर कान लगा मेरा रोना सुनकर शांत न रह मुझे अक्सब मीन और अक्सब मुझे स्वीकार कीजिए मैं परदेसी हूं मैं मुसाफिर हूं मैं यात्री हूं मैं संसार के नहीं हूं संसार के मैं विदेशी हूं नंबर टू 119 अध्याय भजन संहिता मुझे और एक घंटा प्रचार करने का मन करता है लेकिन आप सो जाएंगे फिर किसी किसी को आश्रम में ले जाकर भर्ती करना पड़ेगा बस और दो मिनट समय रहेगा भजन संहिता 119 अध्याय उसमें 19 पद मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ अपने आज्ञाओं को मुझे छिपाए नहीं रखना करो आपकी जो आज्ञा है इस मुसाफिर को इस परदेशी को इस यात्री को इस विदेशी को अपने स्वदेश में जाने के लिए जो आपकी आज्ञा है प्रतिदिन कितने लोग एक घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं 8 घंटा काम करने के आपने ताकत है 10 घंटा करेंगे ओवर टाइम करेंगे पैसा दोनों आपसे कमाएंगे यहाँ क्योंकि यहाँ से जाने के समय में हमको 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करके ले आने के लिए यीशु मसीह कह दिया सब जमा करना जमा करो आपका काम बेकार आपका पैसा बेकार आपकी नौकरी बेकार आपका पढ़ाई बेकार यहाँ दाऊद कहता है प्रभु वहां पहुंचने के लिए आपके आज्ञाओं को ना छिपा वो तो दे दिया आप इसको करिए तो आराम से जाइए आज ऐसे काम पकड़ लीजिए आप 8 घंटा काम करते हैं कम से कम आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को बाइबल भी पढ़िए आधा घंटा प्रार्थना भी कीजिए आधा घंटा रात में बाइबल भी पढ़िए आधा घंटा रात में प्रार्थना भी कीजिए अनेकता स्वर भी जाना आपके क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत इस शरीर को लगाते हैं बहुत लगाते हैं रात भर जागे रहेंगे दिन भर गाड़ी चलाते रहेंगे दिन भर मशीन चलाते रहेंगे दिन भर कटिंग करते रहेंगे दिन भर बर्तन पाते रहेंगे दिन भर पकड़ा पीते रहेंगे
अपने अधिकारियों को राम सर मणि सर सर मणि सब बेकार हो जाए, जिसको सभी को मानना चाहिए उसको सभी को सवेरे उठ करके काम टाइट हो जाइए उसके सामने मारिए प्रभु मेरा कप्तान तू है, मेरा मैनेजर तू है, तू ही मेरा मालिक है, आपके पास आने के लिए। लेकिन इस तरह प्रार्थना है कि मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपने आज्ञाओं को मुझसे छिपाना छिपाए ना रख, यानी छिपाना नहीं। पत्रस कहता पहला पत्रस दूसरी बस उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस उसकी दूसरी अध्याय उसमें पहले हम 11 पद को पढ़ेंगे। हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जान उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। ओ संसार ये धरती के बार प्रभु सिखाता है इस संसार का नहीं है, हम इस संसार के नहीं, इस संसार में दूसरा आत्मा काम करता है। एक पवित्र आत्मा हमको स्वर्ग ले जाने के लिए काम करता, उस पवित्र आत्मा को छोड़ जितना आत्मा दुनिया में है वो सभी आत्मा हमारी आत्मा से जो स्वर्ग जाना चाहिए उसको स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए हमारे साथ युद्ध महायुद्ध करता। एक बार और पढ़ेंगे उस वचन को। हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसार के अभिलाषाओं से जो तुम्हारी आत्मा से मनुष्य करता उसे बचे रखो, क्योंकि वो आत्मा तुमको नरक ले जाने के कार्य करता है। बाइबल पढ़ने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, उपवास करने नहीं देगा और परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताने नहीं देगा। हमेशा काम 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 आप इतना व्यस्त बना देगा तो आप अपने में खुले रहे, रात का टाइट होता है पानी में डाल दीजिएगा सवेरे सोना है खुल जाए ऐसा बुलाता रहता किसी की बातों में आपको ले जाता खुशिया कहेंगे जो आत्मा है स्वर्ग में जाना। लेकिन सैता आपको संसार मैं आपसे सीधे ही बोल रहा हूँ, आपका एक साल के पहले दो साल के पहले तीन साल के पहले जो आत्मिक जीवन था उसमें आज आप बड़े हैं या आप पीछे चले गए। आपकी सभी सवालों का यही जवाब जो यहाँ सुनते हैं, जो आप गूगल मीट में हैं, जो आप फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग में हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से बाद में कभी भी आप सुनेंगे, मैं आप सबों से पूछ रहा हूँ, एक असली भक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ता गया, वो बालक बढ़ता, उस वचन को पढ़िए लूका दूसरा अध्याय 40 पद 50 पद मेरे क्या लूका दूसरा अध्याय इस मसीह के बारे में क्या लिखा है, बाइबल धर्म शास्त्र क्या बताती है, लूका रचित सुसमाचार की उसकी दूसरी अध्याय उसमें हम पढ़े हम 50 पद को पढ़े बावन पदीर बुद्धि और दिलों ने और परमेश्वर परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता है। अगर आप यीशु को मानते हैं आपके जीवन में वो है 40 पद बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह से अनुग्रह अनुग्रह उस पर था। ये यीशु मसीह के मानने वालों के लिए जो अपने आप को असली मुसाफिर असली परदेशी असली विदेशी बनाते हैं उनके लिए ये अनुभव रखेगा। कितना आप बढ़ते हैं अपने आप को आप समझने की कोशिश कीजिए। आज प्रभु को उसकी आराधना है। फिर हम पहला पत्रस दूसरे अध्याय 10 पद को एक बार हम आपको याद दिला रहे हैं, उसका एक वचन को खोल कर रखिएगा, वो हम आपको याद दिला रहे हैं हमारे आत्मा के विरोध में इस संसार में रहने वाले तमाम शैतान के आत्मा युद्ध करते रहता है ताकि हमारा कान पकड़ के खींच के अधोलोक में उतार दे। आप सावधान रहो, आप सावधान रहो, बहुत किस्मत से आपको इस मसीह मिले, बहुत अनुग्रह से
विश्वास करने का वचन मिला। आप नहीं सोचते थे बंगलोर जा रहे हैं, बंगलोर में हमारे एक अच्छा आदमी के कलीसिया मिलेगी, एक अच्छा आत्मिक परिवार मिलेगा, आपने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर आपको याद दिलाता है, इसको सही तौर से फायदा उठाने आगे बढ़े। बलवान भूमि परमेश्वर ने मजबूत के साथ दो वचन वही पर लिखा हो पढ़ने के विश्वास शामिल होंगे। ग्यारह पद को पढ़िए, अभिलाषाओं से जो है विरोध करती है बचे रहो। दस पद ग्यारह अब दस पद को पढ़ेंगे, क्यों बचे रहना है, क्यों बचे रहना है। दस पद तुम पहले देखिए आपके अपराध क्या है, मेरा अपराध क्या था उसको याद दिला रही है परमेश्वर का वचन कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अभी तुम परमेश्वर का प्रजा होगी। पहले तुम पर परमेश्वर की दया नहीं थी, अब तुम पर परमेश्वर की दया हुई। ये सब कुछ मिलने के बाद मुंह छुप नहीं रहना, उसके लिए क्या करना भाई बता दे। नौ पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिस परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा ने तुमको अंधकार से ज्योति में अगमय ज्योति में लेके आया है उसका तुम जा जाके लोगों को प्रचार कर। देश के इतना काम नहीं है, अगर गाली पैसा कमाने के लिए सब शहर में रहेंगे प्रभु आपसे दुखी रहेंगे। पैसा कमाते प्रभु आपका यहाँ तक लेके आया, पैसा कमाते हुए नरक में जाने वाले लोगों का काम पकड़कर खींचेंगे, उनको स्वर्ग में भेजेंगे, जिससे प्रभु आपसे बहुत खुश रहेगा। आइए हम जगह खड़े हो जाएंगे, सब गूगल पे रहने वाले भी अपने आंखों को बंद करें, फेसबुक पे रहने वाले भी अपने आंखों को बंद करें, सब कोई अभी सुबह के समय पे दोनों हाथों को उठा के मुंह खोल करके आप एक मिनट आपको समय देंगे। इतना देर आप चुपचाप से बच्चे सुनते थे सुन रहे थे, अभी हम आपको मुंह खोल करके अंगीकार करके प्रभु मैं परदेशी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं इस संसार के लिए विदेशी हूँ, मैं इस संसार में हालेलुया सुदेश जाने की तैयारी करता हूँ, मुंह खोल करके प्रार्थना की। बहुत लोग हैं आवाज उठाए, मुंह खोलिए, शैतान आपको मुंह बंद करने के लिए सोचता है, आवाज उठा करके प्रभु से कहिए प्रभु जी हाथों को उठाइए, सुनिए हाथ उठाओ Thank you.
तैयार करो तो वापस आओ, सबों को ले जाए।